नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी का कहर जारी और इससे निपटने के उपाय किसी को नहीं सूझ रहे। ऐसे में पूरी दुनिया में आर्थिक हालात अब बद से बदतर बनते जा रहे। इसको लेकर तरह तरह के कदम उठाए जा रहे और सऊदी अरब भी उन्हीं देशों में से एक है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक गिना जाता है, लेकिन यहाँ भी आने वाले दिनों में लोगों की जिंदगी मुश्किल होने जा रही है। सऊदी अरब अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सैलरी में 40% तक की कटौती करने की इजाजत दे दी है। सऊदी अरब के प्रमुख अखबार अशराक अल अवसाद की रिपोर्ट की माने तो आर्थिक संकट को देखते हुए सऊदी अरब में काम कर रहे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किए जा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं और इस फैसले का उन पर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। अखबार ने फैसले की प्रति का हवाला देते हुए सोमवार को बताया है कि सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने श्रम कानून में बदलाव के लिए हामी भर दी। इन बदलावों के बाद एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों की सैलरी में अगले 6 महीने के लिए 40% तक की कटौती कर सकते हैं। नए नियमों के तहत कोविड-19 की महामारी के 6 महीने बाद कंपनियों को एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द करने का हक होगा। हालांकि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में ना उठाए, इसके लिए उन्हें सरकारी सब्सिडी जैसे मजदूरों के वेतन भत्ते में मदद या सरकारी शुल्क से छूट मिलनी जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए 3 शर्तें भी रखी गई। ये 3 शर्तें हैं: सैलरी में कटौती के फैसले को लागू किए हुए 6 महीने हो गए, एम्प्लॉय की सारी छुट्टियां खत्म हो गई और कंपनी ये साबित कर दे कि वो कोविड-19 महामारी की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रही है। अशराक अल अवसाद की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल के इस फैसले पर सऊदी अरब की सरकार की मुहर लगनी बाकी है। सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में सऊदी अरब में भारतीय राजदूत आसिफ सैयद भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की नौकरियां जा सकती हैं और इससे भारत को रेमिटेंस का भी भारी नुकसान होगा। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां विदेशों में रह रहे नागरिक सबसे ज्यादा पैसा घर भेजते हैं। भारतीयों ने पिछले साल रिकॉर्ड $83 अरब की धनराशि देश भेजी थी। इस कमाई का बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीयों से ही आता है। हालांकि अब सऊदी अरब में भारतीय कामगारों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और बेरोजगार होने पर उनके देश वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। भारत सरकार लोगों को लाने के लिए शिप और फ्लाइट भी भेज रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 कैसे लोगों की जिंदगियों को छीन रही है और सऊदी अरब के इस फैसले से भारतीयों का काफी नुकसान होने वाला है। देखना होगा कि आगे क्या होता है।